इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। हरियाणा से दो गैंगस्टर पकड़े जाने पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। गैंगस्टर्स पर कार्रवाई के लिए एसआईटी बना रखी है। अनिल विज ने कहा, एसआईटी के जरिए हमें सफलताएं मिल रही हैं। तो साफ तौर पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो जांच है लगातार आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां इस मामले में हो रही हैं। गृह मंत्री अनिल विज का इस बीच बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हरियाणा से जो दो गैंगस्टर पकड़े गए हैं एसआईटी बना रखी है और वो लगातार जांच कर रही है। गैंगस्टर्स पर कार्रवाई के लिए एसआईटी बना रखी है, कहना है गृह मंत्री अनिल विज का, और ये सफलताएं भी मिल रही हैं साफ तौर पर, क्योंकि लगातार 29 मई को जब ये घटना सामने आई थी उसके बाद से ही मामले में जांच जारी है और मामले में जांच बेहद तेज गति से चल रही है। 8 शार्प शूटर्स की पहचान की जानकारी बीते दिनों सामने आई, जिसमें से एक गिरफ्तारी बीते दिनों ही हो गई थी और दो गैंगस्टर और पकड़े गए हैं, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि एसआईटी के जरिए हमें सफलता मिल रही है। एसआईटी के जरिए हमें सफलता मिल रही है, प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा। दरअसल फतेहाबाद सिरसा से तार जुड़े हैं इस पूरी घटना के। और बीएस गुलियानी हमारे सहयोगी अंबाला से जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए। बीएस, किस तरह से, क्योंकि लगातार इस मामले में जांच जारी है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, दो गैंगस्टर पकड़े गए, गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया, क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से और बताएं। बीएस, क्या अब तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अनिल विज ने आज सुबह ही अपना बयान देते हुए बोला है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस द्वारा जो गैंगस्टर पकड़े हैं उनको उन पर जो कार्रवाई है वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे गैंगस्टर को बढ़ावा मिलता है अगर उन्हें छोड़ दिया जाता है तो। और उन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा में जो गैंगस्टर पर कार्रवाई करने के लिए एसटीएफ गठित की गई है, ताकि किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो और अगर धमकी आए तो तत्काल कार्रवाई की जा सके। जी बीस, जो दो गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में, उनको लेकर क्या कुछ और जानकारी, किस तरह से भूमिका उनकी मामले में सामने आ रही है? जी बिल्कुल, फिलहाल जो जानकारी आई है निकलकर सामने, वो उसमें जो सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में शामिल थे दो गैंगस्टर, और उनके बारे में बताया गया है कि ये लोग इनकी रेकी किया करते थे और जिसके बाद इन्होंने पूरी सूचना दी थी कि सिद्धू मूसेवाला आज अपनी जो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी है बुलेट प्रूफ उसमें नहीं जा रहा, सिंपल गाड़ी में जा रहा है, और यहाँ तक कि उसके जो अंग रक्षक हैं वो भी घर पर हैं और सिद्धू मूसेवाला अपने दोस्तों के साथ घर से निकला है, ये उन पर आरोप है, ये इसकी रेकी इन दोनों गैंगस्टर ने ही की थी। जी बीएस, साफ तौर पर क्योंकि जिस तरह से जानकारी ये भी आई कि केकड़ा नाम का शख्स जो इस मामले में गिरफ्तार हुआ है वो सीसीटीवी में भी कैद हुआ था सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर, जिसने ये पूरी जानकारी उन गैंगस्टर्स को जी जो धाक लगाए बैठे हुए थे हमला करने के लिए। जी बिल्कुल, जो केकड़ा है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश भी किया और रिमांड पर भी लिया है, उसी ने ही टोटल जो रेकी की थी सिद्धू मूसेवाला की, और वो अपने दोस्त के माध्यम से सिद्धू मूसेवाले के पास पहुंचा था और वहां पर चाय भी पी थी, उसके बाद ही उसने फोन पर तमाम जानकारी इन गैंगस्टरों को दी थी जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले पर गोलियां बरसाई थी और उसके बाद उसका कत्ल हो गया था। जी शुक्रिया बीएस इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो गृह मंत्री अनिल विज की ये प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के गैंगस्टर्स पर रोक लग सके।